आइए अब मेष राशि की बात कर लेते हैं। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग जानते हैं। देखिए, अगर आपकी मेष राशि है तो आपके धन भाव का स्वामी हुआ शुक्र, और शुक्र इस समय आपके तृतीय भाव में मिथुन राशि में अस्त हुआ पड़ा है और चंद्रमा से आज उसका सदाष्टक योग है। अगर आज आर्थिक मामले में, पैसों से जुड़े किसी मामले में आप कोई रिस्क ले रहे हैं तो ये आपके लिए सर्वथा नुकसानदेह होगा, इसलिए आज आपको कोई पैसे से जुड़ा जोखिम नहीं लेना चाहिए। और अगर आप नौकरी करते हैं तो अपने ऑफिस में सीनियर से आपको विवाद भी नहीं करना चाहिए। आज दोस्त की मदद मिल सकती है, काम की भागदौड़ से थकान महसूस होगी। पैसों के लेन देन में फिर से कह रहा हूं कि ज्यादा सतर्क रहिएगा। पानी में थोड़ा सा केसर डाल के स्नान करिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे बढ़ते हुए वृषभ राशि की बात करते हैं। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, कामकाज, रिश्ते और सेहत, क्या है आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है और शुभ रंग क्या है जानते हैं। देखिए, आपकी वृषभ राशि है तो बृहस्पति की स्थिति आपके राशि में बनी हुई है और आपके धन भाव में शुक्र, बुध और सूर्य की युति है। अगर कोई पुराना इन्वेस्टमेंट आपने किया है, कहीं पुराना पैसा आपने लगाया है, वो चाहे शेयर में, चाहे कमोडिटी में, चाहे आपने प्रॉपर्टी में लगाया हुआ है, उससे निश्चित रूप से आज आपको धन लाभ होगा। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी, परिवार वालों के साथ थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, गले में खराश या दर्द की समस्या हो सकती है, किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपको शेयर नहीं करनी चाहिए। घर से निकलते समय इलायची खाएं। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। अब मिथुन राशि की बात करते हैं, कैसा रहेगा पूरा दिन आपका जानते हैं। मिथुन राशि में बुधादित्य योग के साथ साथ शुक्र की भी स्थिति बनी हुई है, लेकिन बुध और शुक्र दोनों अस्त हैं और व्यय भाव में बृहस्पति है। ऐसे में आप जुनून में आकर के व्यर्थ का खर्च कर डालेंगे, जिससे आपका आर्थिक संकट शुरू हो जाएगा। इसलिए जुनून में आकर के या किसी के उकसावे में आकर के कोई बड़ा काम आज आपको नहीं करना चाहिए। नौकरी में तरक्की के योग बनेंगे, भाई के साथ बेवजह विवाद हो सकता है, नींद पूरी न होने से सिर दर्द की भी समस्या हो सकती है। आज किसी को भी अपना कीमती सामान आपको नहीं देना चाहिए। जल और दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए लेमन है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब इसी क्रम में कर्क राशि की बात कर लेते हैं, आपका दिन कैसा रहेगा जानते हैं। देखिए, कर्क राशि पर पूर्ण रूप से चंद्रमा की पूरी पूरी दृष्टि है। लग्नेश जब लग्न को देखे तो किसी बाहरी काम से धन लाभ होता है, नई नौकरी के लिए बुलावा आ सकता है, परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। किसी के दबाव में आकर के कहीं सिग्नेचर ना करें, किसी के दबाव में आकर के कहीं हस्ताक्षर न करें। अगर आपका पेशेंस, आपका मन, आपका मस्तिष्क कहता है कि ये उचित है, तभी हस्ताक्षर करें, वरना किसी के दबाव में आकर हस्ताक्षर न करें। गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए हल्का गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। वैसे तो पीपल ही नहीं, किसी भी पेड़ को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। सिंह राशि की बात कर लेते हैं, कैसा रहेगा पूरा दिन आपका, आइए जानते हैं। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि सूर्य की स्थिति आपके एकादश भाव में है, जो इस बात का संकेत कर रहा है कि अगर आपका कहीं पेमेंट फंसा हुआ है, पैसा आपका कहीं रुका हुआ है, तो वो रिलीज हो सकता है, वो आपको मिल सकता है। ऑफिस में आपके साथ काम करने वाले लोग आपका सहयोग करेंगे। किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात हो सकती है। मौसमी बीमारियों से आपको खुद को बचाना चाहिए।
जल्दबाजी में किसी के दबाव में आकर के आपको कोई हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए। चींटियों को तिल और चीनी खिलाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए दो है, शुभ रंग आपके लिए मैरून है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए कन्या राशि की बात कर लेते हैं, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, कामकाज, रिश्ते और सेहत साथी, क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग जानते हैं। देखिए आपके दशम भाव में बुधादित्य योग भले है लेकिन शुक्र बुध दोनों अस्त हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्ट लेते हैं तो जरा सोच समझ करके आज पैसा लगाइएगा। और किसी बड़ी योजना पर अगर आप काम कर रहे हैं तो काम करिए, लेकिन डिसीजन लेने में थोड़ा समय लगाइए। भाई से बेवजह अनबन हो सकती है, आज माँ की भी सेहत का ध्यान रखिएगा, माँ की सेहत भी बिगड़ सकती है। प्रॉपर्टी में आज निवेश बिल्कुल मत करिएगा, ये इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि आपके चतुर्थ भाव का स्वामी अपने भाव से सदाष्टक योग बना रहा है। अगर किसी प्रॉपर्टी में आप कोई टोकन मनी दे रहे हैं तो आप नुकसान में जाएंगे। कबूतरों को अनाज खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए एक है, शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ अब बारी है तुला राशि की, जानते हैं कि तुला राशि वाले जातकों का दिन आज कैसा रहने वाला है। देखिए तुला राशि से आज चतुर्थ भाव में चंद्रमा है और आय भाव का स्वामी सूर्य भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, तो और लग्नेश के साथ है, शुक्र के साथ है, तो आमदनी का नया जरिया आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑफिस में नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं, बच्चों से शुभ समाचार भी मिलेगा, लेकिन कमर दर्द से परेशान हो सकते हैं अगर आपकी बड़ी उम्र है तो। बड़े बुजुर्गों का अपमान बिल्कुल ना करें, चाहे वो आपके घर के हों चाहे वो देश के हों। जरूरतमंद लोगों को गन्ने का जूस पिलाएं। शुभ अंक आपके लिए छह है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं, कैसा रहेगा पूरा दिन आपका, आइए जान लेते हैं। वृश्चिक राशि पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है, लेकिन अष्टम भाव में तीन तीन ग्रह बैठे हुए हैं जो अशुभ संकेत देते हैं। अगर आप यात्रा पर जाएंगे तो पक्का है कि आपका कोई कीमती सामान नुकसान हो सकता है, धन हानि हो सकती है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर यात्रा पर जा रहे हैं तो पूरा सचेष्ट होकर के जाएं। लेकिन अगर आप नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं तो आज नई नौकरी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। नए रिश्ते बनेंगे और आपके विवाह का भी योग बन रहा है। आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज लंबी यात्रा को हो सके तो फिर से कह रहा हूं टाल दें। घर से निकलते हुए चंदन का तिलक लगाकर निकलें। शुभ अंक आपके लिए पांच है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं धनुराशि की, क्या कहता है धनुराशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का दिन जानते हैं। आपके धन भाव में चंद्रमा है और आपके पराक्रम भाव में शनि है और सुख स्थान में मंगल है, तो नहीं आपके संतान भाव में मंगल है। नए कारोबार में तेजी के संकेत तो मिल रहे हैं, लेकिन सावधान रहिएगा, अधिकारियों से बेवजह वाद विवाद हो सकता है। पुराने रिश्तों में मतभेद समाप्त होंगे, कोई पुरानी चोट आपको फिर परेशान कर सकती है। गाड़ी चलाते समय खूब सतर्क रहिए। आज मंदिर में इत्र का दान करिए। आपके लिए शुभ अंक चार है और शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। आइए मकर राशि की जल्दी से बात कर लेते हैं, कैसा रहेगा आपका दिन, साथ कितना देगा आपका भाग्य जानते हैं। मकर राशि में जब चंद्रमा की स्थिति हाई है और चतुर्थ भाव में मंगल भी है और स्वगृह है, तो पैतृक संपत्ति तो मिलेगा। नौकरी में स्थानांतरण का योग भी बनेगा। मनमुटाव खत्म होगा, बिगड़े रिश्ते भी सुधरेंगे। बढ़ती जिम्मेदारियां लेकिन आपको बीमार कर सकती हैं, इसलिए व्यर्थ की जिद आपका नुकसान कराएगी। आज मजदूरों में इमरती बांटें। शुभ अंक आपके लिए दो है, शुभ रंग आपके लिए नेवी ब्लू है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं कुंभ राशि की, कैसा रहेगा आपका दिन, आपका भाग्य कितना स्ट्रांग रहेगा जानते हैं। कुंभ राशि से लेकर के मिथुन राशि तक लगातार शनि राहु मंगल गुरु बुध शुक्र सूर्य की स्थिति बनी हुई है। बिना सलाह लिए अगर आपने कहीं पैसा लगाया तो नुकसान पक्का। आपके क्रिएटिविटी की तारीफ तब होगी जब आप सोच समझ करके फैसला लेंगे। बच्चों के साथ घूमने का प्लान बनेगा,
मन शांत रखिए, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। किसी नई योजना में निवेश करने से आपको बचना चाहिए, किसी संत का आशीर्वाद लेना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए जामुनी है। जय माँ विंध्यवासिनी। और अभी बारी है मीन राशि की, बात कर लेते हैं और आज आपका भाग्य आपका कितना साथ दे रहा है ये जानते हैं। मीन राशि में भले ही राहु बैठा हुआ है, लेकिन आय स्रोत के स्थान पर जब चंद्रमा की स्थिति है तो आमदनी बढ़ने का संकेत पक्का है। ऑफिस में दिन भर आपकी व्यस्तता रहेगी, परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए खूब पानी पीजिए, नई प्रॉपर्टी के पेपर अच्छे से जांच लीजिए, पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल करके नहाइए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय माँ विंध्यवासिनी।